आज की इस बदलती दुनिया में इंटरनेट को काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है और दिन पर दिन इंटरनेट और भी ज़्यादा एडवांस होता जा रहा है। इसी के साथ एक नया नाम निकल के आता है जो कि है 5G का, यानी 5th generation ऑफ वायरलेस नेटवर्क। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पुराने समय में 1G का यूज़ होता था जो कि केवल कॉल करने के काम आता था। इसके बाद आया 2G जो कि 1G से थोड़ा एडवांस था और इसमें कॉल के साथ साथ SMS भी किया जा सकता था। ऐसे ही इंटरनेट डेवलप होता गया जिसके साथ 3G और 4G को इंट्रोड्यूस किया गया जिसने पूरी दुनिया को बदल के रख दिया। और अब आ चुका है 5G जो कि इन सभी जनरेशन में सबसे एडवांस नेटवर्क है। आप इसकी स्पीड का अनुमान इस बात से लगा सकते हो कि अगर 4G में किसी फाइल को डाउनलोड होने में 15 से 20 मिनट का समय लगता है, उसी फाइल को आप 5G में सिर्फ 1 सेकंड में डाउनलोड कर सकते हो। 4G की तुलना अगर हम 5G से करें तो 4G की स्पीड मैक्सिमम 300 Mbps होती है, जहां 5G की स्पीड हमें 20 Gbps देखने को मिलती है। अगर लेटेंसी को देख लिया जाए तो 4G हमें 70 मिलीसेकंड की लेटेंसी देता है, जहां 5G हमें सिर्फ 1 मिलीसेकंड की लेटेंसी देता है। तो अब देख लिया जाए कि आखिर 5G वर्क कैसे करता है। दुनिया में सबसे पहले फुल्ली फ्लेश्ड 5G नेटवर्क को अप्रैल 2019 में साउथ कोरिया के द्वारा लॉन्च किया गया था। सबसे पहले ISP यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा 5G सिग्नल्स को सैटेलाइट और फाइबर ऑप्टिक केबल्स के जरिए मोबाइल टावर या सेल टावर तक पहुंचाया जाता है। सभी एरिया में इंटरनेट पहुंचाने के लिए हर एरिया को हेक्सागोनल रीजन में डिवाइड किया जाता है ताकि कम से कम टावर्स में ज्यादा से ज्यादा एरिया कवर हो सके। हेक्सागोन एक दूसरे में अच्छे से फिट हो जाते हैं जिससे हर एक पार्ट कवर हो जाता है। हर हेक्सागोन में एक सेल टावर लगाया जाता है। सेल टावर 5G सिग्नल्स को रेडियो वेव्स में कन्वर्ट कर देता है और अपने चारों तरफ फैला देता है। 5G में रेडियो वेव्स का एडवांस वर्जन यूज किया जाता है जिसे हम मिलीमीटर वेव्स भी कहते हैं। मिलीमीटर वेव्स की वेवलेंथ काफी कम होती है और फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, जिस कारण ये ज्यादा से ज्यादा डेटा ट्रांसफर कर सकता है, मगर कम वेवलेंथ होने के कारण ये काफी कम डिस्टेंस ट्रेवल कर पाते हैं। मिलीमीटर वेव्स फिजिकल थिंग्स जैसे बिल्डिंग, पेड़, बारिश, ये सभी चीजों को पार नहीं कर पाते। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हर 100 से 200 मीटर की दूरी पे एक स्मॉल टावर को लगाया गया है जो कि काफी हाई फ्रिक्वेंसी के होते हैं, जिससे नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। और ये स्मॉल टावर बड़े सेल टावर्स के साथ मिलकर रिले में काम करते हैं जिससे ज्यादा एरिया कवर होता है और हमारे स्मार्टफोन तक 5G सिग्नल्स पहुंचती है। 5G में कुल 3 बैंड होते हैं, लो बैंड, मिड बैंड और हाई बैंड। लो बैंड की स्पीड होती है 30 से 250 Mbps, रेंज इसकी मिलती है हमें 100 माइल्स और फ्रीक्वेंसी हमने देखने को मिलती है 600 से 700 मेगाहर्ट्ज। मिड बैंड की स्पीड हमें 100 से 900 Mbps तक देखने को मिलती है, रेंज इसकी 20 से 40 माइल्स तक की होती है और फ्रीक्वेंसी 2 गीगाहर्ट्ज से 6 गीगाहर्ट्ज तक की होती है। हाई बैंड की बात कर ली जाए तो इसकी स्पीड 1 से 3 Gbps तक की हमें देखने को मिलती है। इसकी रेंज बहुत कम होती है, लेस देन 1 माइल्स होती है। फ्रीक्वेंसी इसमें काफी ज्यादा हमें देखने को मिलती है जो कि हमें 24 से 40 गीगाहर्ट्ज तक की रहती है। 5G में बैंडविड्थ को हाई और लेटेंसी को लो करने के लिए 5G सेल टावर में 3 मेजर चेंजेस किए जाते हैं। फर्स्ट, सेल टावर में मैसिव मीमो टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। मीमो का मतलब है मल्टीपल इनपुट एंड मल्टीपल आउटपुट। सेल टावर में डेटा को रिसीव और सेंड करने वाले एंटीना पोर्ट को 20-30 से बढ़ाकर 100 से 200 कर दिया जाता है जिससे डेटा बहुत फास्ट ट्रेवल हो पाता है, मगर ज्यादा एंटीना पोर्ट्स होने के कारण नेटवर्क में इंटरफेरेंस बढ़ जाती है, जिस वजह से 5G में बीम फॉर्मिंग टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। सेकेंड, बीम फॉर्मिंग टेक्नोलॉजी में बीम की मदद से इंटरनेट को यूजर के डिवाइस तक पहुंचाया जाता है। बीम फॉर्मिंग की सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि जो यूजर को अगर ज्यादा इंटरनेट की जरूरत है उससे ज्यादा स्पीड से इंटरनेट दिया जा सकता है, और जो यूजर को कम इंटरनेट की जरूरत है उसे एक मीडियम स्पीड में इंटरनेट दिया जा सकता है। यानी जहां भी ज्यादा इंटरनेट की जरूरत पड़ती है उस जगह पे ज्यादा इंटरनेट को भेजा जाता है। इस कारण 5G ज्यादा से ज्यादा फोन को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर पाता है। ये सिग्नल्स को इधर उधर ना फैला के सीधे यूजर के डिवाइस पे फोकस करता है ताकि उन्हें हाई स्पीड इंटरनेट मिल सके। थर्ड, 5G में एक और शानदार टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है जिसका नाम है फुल डुप्लेक्स। जहां पहले के टावर या तो सिग्नल रिसीव कर सकते थे या तो केवल सेंड कर सकते थे, पर इस टेक्नोलॉजी के कारण आजकल के टावर जो कि 5G के हैं वो सेम टाइम पे सिग्नल को रिसीव और सेंड दोनों कर सकते हैं। आने वाले समय के डेवलपमेंट में 5G लीड रोल निभाने वाला है। तो जैसा कि वर्चुअल रियलिटी, सेल्फ ड्राइविंग कार, ऑटोमेटेड ड्रोन और मेटावर्स, इन सभी चीजों में हमें हाई स्पीड इंटरनेट की जरूरत पड़ती है जो कि इस नीड को 5G फुलफिल कर सकता है। तो हो सकता है कि कुछ सालों बाद आप फ्लाइंग कार में बैठकर इस तरह के फोन में आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, और ये सब सिर्फ 5G के बदौलत ही मुमकिन हो सकता है और इंडिया के डेवलपमेंट में काफी अच्छा बूस्ट दे सकता है। तो इसी के साथ हम अपने ये वीडियो को खत्म करना चाहते हैं। अगर आपको ये वीडियो जरा सा ही पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के जरिए आप हमें बता सकते हैं।